कार्तिक का इजहार। नायरा का इकरार। फिर शुरू हुआ पुराना प्यार। आखिरकार कार्तिक ने हिम्मत जुटाकर नायरा से अपने दिल की बात कह ही दी। उसे बता ही दिया कि वो चाहकर भी नायरा को भुला नहीं सकता, क्योंकि वो उससे बेइंतहा प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। और देखिए, कार्तिक के इस प्यार को नायरा ने कबूल भी कर लिया और दोनों की जिंदगी में प्यार का फिर से शुभारंभ हो गया। ये सोचते कि क्या होता अगर वैसा करूं मैं और नायरा को अपनी दिल की बात बताऊं, तो ही इज जस्ट अबाउट टू डू दैट। नायरा को आइडिया हो रहा है कि कार्तिक क्या कहने वाले हो सकते हैं, पर वो कह नहीं पाते क्योंकि वो सपनों में खो जाते हैं और रुकने में वेदिका के वो सपने को ब्रेक करके उन्हें लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कार्तिक को और बाकी फैमिली को कुछ बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। तभी कहते हैं कि खुली आंखों से सपना नहीं देखना चाहिए, हो गया ना चकनाचूर। और साथ ही साथ सभी घर वालों को जोरदार झटका भी लग गया, क्योंकि वेदिका ने हिम्मत जुटाकर सबके सामने अपने अतीत का खुलासा जो कर दिया है। भाई कोई भले ही वेदिका के साथ हो ना हो, लेकिन नायरा उसके साथ है। वो और कार्तिक वेदिका को दिलासा दे ही रहे थे कि अचानक नायरा को फोन कॉल आ गया कायरव के किडनैप होने का। अब देखना होगा कि कैसे नायरा, कार्तिक और वेदिका कायरव को अक्षत के चुंगल से छुड़ाएंगे। आज तक ब्यूरो।